हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर करी। इसे आप व्रत में बना सकते हैं और यह ग्रेवी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे बिना व्रत के भी बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक डाल देंगे। 30 सेकेंड के लिए इन सभी को चला लेंगे। अब इसमें 3 टमाटर काट कर डाल देंगे और इसे चला लेंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकने के बाद अब इसमें 10-12 काजू डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वह अच्छे से गल ना जाएं। ये देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इस मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अब सेम पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को गाढ़ा ही रखिएगा, पीसते समय इसमें बहुत सारा पानी ना ऐड करें। अब इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट पका लेने के बाद अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। जिस ग्राइंडर जार में टमाटर को पीसा था उसी में ही 1/2 कप पानी खंगाल कर डाल दिया है मैंने। इससे जो टमाटर का पेस्ट जो बचा हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें 1/4 कप दही को फेंट कर डाल देंगे। दही को डालते ही इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। जब भी आप किसी ग्रेवी में दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही हमेशा रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर दही ठंडी हुई तो वह ग्रेवी में जाते ही फट जाएगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। क्योंकि इसमें दही और टमाटर है तो चीनी इसके खट्टेपन को बैलेंस करेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। पनीर आपको जैसा पसंद हो आप वैसे शेप में कट करें। पनीर को ग्रेवी में डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ पनीर की सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी बनी है। आप इसे व्रत के चावल के साथ या पूड़ी के साथ खाएं, यह बहुत बढ़िया लगती है। यह खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि आप इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।